इस लड्डू की खास बात यह है कि भाई लोग खा तो सकते हैं, भाई लोग इसको साथ साथ खेल भी सकते हैं। इसका डेमो हम आपको दे। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी रक्षाबंधन। तो देखिए सभी लोग जैसे कि रक्षाबंधन में घर जा रहे थे, इसी तरह हम भी अपने घर आ रखे हैं। और आज मैं अपने टैलेंटेड जो हमारी सिस्टर है उसकी कुछ कलाकारियां आपको दिखाने वाला हूं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए कलाकारी काफी अच्छी कर लेती है हमारी सिस्टर। और आप देख सकते हैं कि दीवार पे कितने अच्छे कार्टून ड्रॉ करे हैं हमारी सिस्टर ने। और उसी तरीके से सेकंड पिक में आप देख सकते हैं कि स्विच बोर्ड के पास कितने अच्छे पांडास को ड्रॉ करके खुद बनाया है, बहुत ही अच्छा ड्रॉ किया है। और उसी तरीके से ये थर्ड पिक में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कितना अच्छा डेकोरेट किया है, एक पूरा पेड़ बनाकर उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ड्रॉ किया है। तो कलाकारी में तो बिल्कुल मेरे पे ही जा रखी है। उसी कलाकारी को एक और डेमो हम आपको देने वाले हैं कि रक्षाबंधन जो अटूट पर्व माना जाता है हिंदुओं में, तो उसी अटूट पर्व में हमारी सिस्टर ने बनाया है। देखिए जूम करेंगे थोड़ा सा, हमारी सिस्टर ने बनाया है लड्डू। और इस लड्डू की खास बात क्या है, देखिए इस लड्डू की खास बात यह है कि भाई लोग खा तो सकते हैं, भाई लोग इसको साथ साथ खेल भी सकते हैं। इसका डेमो हम आपको दिखाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मजबूत है, तो हम इसको ट्राई करेंगे कि ये मजबूत है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से टैलेंट कूट कूट के भरे हैं। और आप ये सोच रहे होंगे ये लड्डू हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ये देखिए टाइट ही है और सॉफ्ट भी है, बहुत ही अच्छा बनाया है, टैलेंट से भरपूर है हमारे सिस्टर। खेलने के लिए और खाने के लिए मल्टीपर्पज लड्डू बनाए गए हैं।